इस मॉडर्न वर्ल्ड में मोबाइल फोन्स कितने क्रुशियल हो चुके हैं ये तो आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये छोटा सा डिवाइस जिसमें दुनिया की सारी चीजें समाई हुई है वो असल में बनाते कैसे होंगे? एनी आइडिया? नहीं? कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मोबाइल फोन्स असल में बनाए कैसे जाते हैं। देखो दोस्तों, हर एक कंपनी का फोन अलग जरूर होता है, लेकिन उसके बनाने के बेसिक प्रोसेस सेम ही होती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिजाइनिंग, लेकिन उससे पहले और एक स्टेप है जो कि बहुत से लोग नहीं बताते, वो है कंपोनेंट्स। फोन डिजाइन करने से पहले मैन्युफैक्चरर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि उस फोन में कौन से टेक्नोलॉजीज जाएंगे। जैसे कि अगर हाई क्वालिटी का कैमरा प्रोवाइड करना है या फिर हाई एंड बैटरी देनी है तो उन्हें उस हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है डिजाइनिंग। एक बार जो ये कंपोनेंट्स डिसाइड हो गए, फिर डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की टीम ये देखेगी कि वो फोन असल में कैसा दिखना चाहिए। डिजाइनर्स हमेशा कोई ऐसा डिजाइन बनाते हैं जो कि उसके अर्लियर वर्जन से ज्यादा स्मूथ और बेटर फंक्शनैलिटी का हो। ये डिजाइन कंसेप्ट कई अलग अलग स्टेजेस से जाता है और उसकी फंक्शनैलिटी भी सेपरेट अप्रूवल प्रोसेस से जाती है ताकि उसकी डिजाइन सबसे बेस्ट हो। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक स्मॉल बजट में बहुत सारे कंपोनेंट्स उस फोन में फिट करने पड़ते हैं। फिर अगला स्टेप होता है टेस्टिंग। डिजाइन तो रेडी हो गया, अब टेस्टिंग भी तो करना चाहिए कि वो सच में स्मूथ काम करता भी है या नहीं। तो इस टेस्टिंग प्रोसेस में उस डिजाइन की एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और ऐसे कई फैक्टर्स टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि क्या ये फोन मार्केट में टिकेगा या नहीं, क्योंकि मार्केट में पहले ही कंपटीशन बहुत हाई होता है और उस रेस में टिक पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डिवाइस को बेटर बनाने के लिए स्क्रीन टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, स्पीड टेस्ट, ऐसे कई टेस्ट किए जाते हैं ताकि कस्टमर कोई भी चीज से नाराज ना हो। देन नेक्स्ट स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग। अब बारी है सारे डिजाइन को बाइंड करने की। इस प्रोसेस में एक मोबाइल नहीं बल्कि हजारों मोबाइल्स एक साथ फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है वो एक तो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं या फिर बाहर से ऑर्डर किए जाते हैं। सारे कंपोनेंट्स रोबोट्स के थ्रू या फिर इंसानों की मदद से डिजाइन में फिट किए जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन, मेमोरी चिप, चार्जर पोर्ट एक्सेट्रा। एक बार सारे कंपोनेंट्स फिट करके फोन रेडी हो जाए फिर उसे टेस्ट भी करना पड़ता है कि क्या वो फोन सच में काम कर रहा है या नहीं। और अगर कोई फोन में एरर्स आ रहे हैं तो उस पर एक अलग टाइप का स्टिकर लगाया जाता है ताकि उसे आइडेंटिफाई करने में इजी हो। अब इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और एक स्टेप आता है जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अब फोन्स में यूजुअली दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है iOS और दूसरा होता है Android। तो जो भी फोन है उस हिसाब से पहले OS इंस्टॉल किया जाता है। अब टेस्टिंग होने के बाद नाउ इट्स रेडी टू पैकेज एंड सेल। तो ऐसे बनाए जाते हैं हमारे मोबाइल फोन्स। डिवाइस तो इतना सा होता है लेकिन उसके पीछे कितना तामझाम होता है ये हर किसी को पता नहीं होता। वैसे दोस्तों, अगर आपको हमारे हार्वर्ड्स मेड के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दो ना, ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।